देख सकते हैं उत्तराखंड की पावन धरती पर हमारे सामने पंडित जी हैं जो अपने बताएंगे। क्या पंडित जी, कैसा चल रहा है आपका कार्य? कार्य तो ठीक में ही चल रहा है, साथ साथ कोरोना से बहुत नुकसान हुआ है आदमी को। जब सरकार को जरूरत होता है कोरोना पीरियड में, उनके लिए कोरोना नहीं है। लाइन लगा के वो वोटर वोट देंगे, उस समय कोरोना नहीं है, लेकिन अभी कोरोना उनके लिए लागू है। तो इस बार क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अब सामने जो इलेक्शन आ रहा है उसके विषय में क्या बोलना चाहेंगे आप, आम जनता को क्या बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी क्या सरकार इस साल नहीं बन पाएगा, कांग्रेस की मिली जुली ही बन पाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस साल फेलियर हो जाएगा, क्योंकि जो भी है, जैसे यहाँ का विधायक प्रेमचंद अग्रवाल है, 15 साल में उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया। 15 साल में इस क्षेत्र में आम जनता के लिए कोई कार्य न किया, न पर्सनल किया, जबकि हम हार्ट पेशेंट हैं। उनको बात 3-3 बार पिटीशन दिए हैं मुख्यमंत्री फंड से अथी के लिए, ऑपरेशन के लिए, लेकिन वो 5 रुपये भी नहीं मिले, आज तक कोई मदद नहीं मिल पाया। देख सकते हैं कोई मदद नहीं मिल पाई और हाथ में तिलक लेकर। और कैसे चलता है आपका घर खर्चा? अभी घर खर्चा ही गंगा माई चलाते हैं 12 परिवार। देख जैसे चला है, मगर बीजेपी का जो राज्य है, अभी केंद्र में हो या राज्य में है, क्या बोलना चाहेंगे आप आम जनता को? आम जनता को तो यही है कि बीजेपी से बड़ी आम जनता को नुकसान हुआ, ये नोटबंदी से, कोरोना से, गरीब तबके के आदमी तो एकदम से मारे गए, कत्लेआम हो गए। देख सकते हैं आम जनता पब्लिक, और पंडित जी ने क्या कहा कि कत्ले आम हो गया, सबसे बड़ी बात कत्ले आम हो गया है। आप यहाँ पर कितने सालों से हैं? यहाँ तो 60 सालों से। 60 सालों से है यहाँ की, तो उठाव पटक राजनीतिक काफी देखी होगी आपने। देख इस बार किसको? इस बार तो बताया ना कि कांग्रेस मिली जुली सरकार बनाएगी, बीजेपी का कम आसरा है। बीजेपी का कम आसरा है, देख सकते हैं हमारे पंडित जी ने भी कहा है, आम जनता की यही पुकार सामने से दिखाता हुआ। हेमंत तो सावर, हेमंत टीवी चैनल से।